अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी फ़्लाइट है और हम जा रहे हैं पाकिस्तान विद फैमिली शादी पे। तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रा थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट करके बना रही हूँ। फिर ये देखिए मामा जान कितने अच्छे लग रहे हैं ना, क्लाउज ऐसे लग रहे, कोटिंग कैंडी है। हाँ ऐसे दूर से लग रहे हैं जैसे कॉटन नहीं होती तो प्यारा लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पहुँच गए हैं। हम थोड़ा सा आपको व्यू देते हैं इसका, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं फिर ऊपर आ गई, थोड़ा मैंने कहा ऊपर से व्यू देते हैं। कितना बिग है ना मामा जान ये अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट। और ये है जी मोटरवे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये है जी घर, उन्होंने लाइटिंग से भरा हुआ है माशाल्लाह। तो ये जाते जाते रात हो गई थी तो कितनी प्यारी लगी मामा, लाइट से सही लाइट्स होती हैं जो प्लांट्स। ये इन्होंने ना तकरीबन शादी से 2-3 दिन पहले ही लाइटिंग लगा ली थी, 2 दिन पहले ही लाइटिंग। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखिए प्लांट्स के अंदर भी इन्होंने लाइटिंग की हुई है, इतनी ज़बरदस्त है और इतनी कलरफुल है। ये कितने अच्छे लग रही हैं इसे बड़ी बड़ी लाइट्स। ये देखो ये ना मुख्तलिफ कलर की है ना लाइट्स। यहाँ पे नहीं करते ना इतना कलर। हाँ इतना नहीं होता, यहाँ पे कम होता है, ये कम लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग करते हैं। ये ग्रीन लाइट इतनी बिग और इतनी दूर तक जाती थी ना। और कितनी कलरफुल, सारी अच्छी ट्री, दूर से पता चलेगा कि शादी हो, शादी वाला घर है। हाँ ये ज़बरदस्त लग रहा है, ग्रीन ग्रीन कितना ऐसे नज़र आ रहा है ना वो प्लांट्स और ग्रीन। अच्छा लग रहा है, ये जो घर की ना साइड पे मैंने कहा चलो आपको, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये साइड पे उन्होंने हैंग की हुई है लाइट्स, लेकिन जगह इतनी कम थी कि ऊपर तक मेरे से कैमरा नहीं जा रहा था, तो मैं ऐसे गुजरते गुजरते बना रही थी। हम घूम के फिर उधर ही आ गए हैं सामने फ्रंट पे, तो फ्रंट की लाइटिंग अच्छी हुई है माशाल्लाह, प्यारा घर लग रहा है। अब हम आपको दुल्हन के कपड़े कुछ ऐसे ही मिक्स जल्दी जल्दी से आपको व्यू देते हैं इनका। कितना प्यारा वो फर्स्ट वाला था। हाँ उस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उसका, ऑरेंज और रेड का, और ये ब्लैक और पिंक इसके साथ ट्रोज़र भी ना, पिंक का कॉम्बिनेशन ट्रोज़र। और ये है ब्लू, सिल्वर है इसके ऊपर और शरारा है इसके साथ। हाँ शरारा प्यारा लगता है इस पर। ये लाइट और इसके साथ पर्पल दुपट्टा, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और ये जो है ना ये पिस्ता कलर ये की फ्रॉक है, हाँ ओपन गोन बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा माशाल्लाह। और ये है मेहंदी का दुल्हन का सूट, ये मेहंदी का लहंगा कहते हैं इसको। ये मजन ये कितना हैवी लग रहा है। हाँ शरारा इसका बहुत हैवी होता है, दुपट्टा देखो कितना प्योर है। और इन्होंने माशाल्लाह निकाह जो है ना मस्जिद में किया था, मस्जिद में दुल्हन और दूल्हे को मस्जिद में ले गए थे और वहाँ ही निकाह हुआ। ये मौलवी साहब जो हैं वो निकाह कर पढ़ा रहे हैं। और ये दूल्हे का निकाह और वो भी मस्जिद में ही। और ये है दुल्हन की चीज़ें जो कि मेहंदी की हैं, सूट चूड़ियाँ उसकी, ये बैग, पेन भी है। हाँ पेन भी वो निकाह के लिए, स्टाइलिश पेन। हाँ निकाह। और ये ढोलक वगैरह उन्होंने रखी थी, तो ये दूल्हे की तरफ से चीज़ें आई थी दुल्हन के लिए, स्वीट्स छोटे छोटे फ्रूट्स वगैरह सजाए हुए। डेकोरेशन भी अच्छी थी, सारा कुछ येलो और रेड थीम। और ये है मेहंदी वाले हाथ, हम लोगों के मेहंदी लगाई हमने। और ये है दुल्हन के मेहंदी, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी थी। और ये है मेरे अपने हाथ, मैंने भी मेहंदी लगाई, कितनी प्यारी लग रही है। आपने मेरी नहीं फोटो ली? वो पता नहीं मिस हो गई है शायद। और ये जब निकाह करके दूल्हा दुल्हन आए थे मस्जिद थे, तो ये उनको वेलकम किया था मैंने, ये फायरवर्क करके गेट के सामने उन्होंने की थी। ये कितनी देर तो फायर क्रैकर्स चल ले रहे हैं।
अभी आ गए, मतलब अब उनको बैठा दिया निकाह करके आ गए, और इनको ये स्टेज जो बनाया था मेहंदी का वहाँ पे उन्होंने बैठा दिया। अब तो खड़ा कर दी। हाँ जी, खड़ा कर दी। और ये मैं बांध रही हूँ जी। और ये देखे माशाल्लाह, उन्होंने ये मसहरी बनाई थी, इतनी प्यारी मसहरी है, बहुत अच्छी। पूरा उन्होंने रूम फ्लावर से भरा हुआ था, और इतनी प्यारी स्मेल इस रूम से आ रही थी रोजेस की वजह से। पूरा पूरी वॉल भी भरी हुई थी ना। तो ये खाने का टाइम आ गया। खाने का, ये खाने की चीजें।